आपकी सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस जानते ज़रा क्या रहता है जैसे आप बिना बीट के लिखे फिर आप बीट बना आ, कभी ऐसा होता है कि मतलब कुछ आई दिमाग में कुछ लिखने का जैसे कुछ आ गया कुछ फॉर्मेट आ गया लिख लिया फिर उसके बाद उसके हिसाब से बीट बना ली या तो फिर कभी कोई बीट सुन ली जो बहुत पसंद आई तो उसके हिसाब से लिख लिया ज़्यादा कुछ ऐसा और ये कैसे शॉर्ट होता है कि भाई अच्छा ये वाला गाना इस आर्टिस्ट के साथ को लैब होगा ये वाला गाना इस आर्टिस्ट के साथ को लैब होगा और ये भी बताओ कभी कोई लैब आ गया वहाँ से वर्स आ गया आपका मन नहीं कर रहा अब डालने का क्योंकि गाना उसने नहीं अच्छा परफॉर्म करा ऐसा हुआ है कभी नहीं ऐसा हुआ नहीं हुआ नहीं पर नहीं भी होगा तो फिर मैं मैं तो डालूंगा ही क्योंकि इसलिए डालूंगा कि देखो आप गाना चाहे मैंने वर्ष भेजा हो चाहे अगले ने भेजा हो यही भेजा है अब यही है बट आप बोलोगे नहीं कि यार मज़ा नहीं आया ये तो बोल सकते हो भाई मैं क्यों बोलूंगा क्या पता उसको आया हो और क्या पता जनता को आ जाए वो एक अलग नजरिए से देख रहा हो कि भाई ये एक नया फ्लो है आपको नहीं आता बट भाई वो प्रोडक्ट तो आपका है ना बेबी तो आपका है आपने आपने, आपने इतना लंबा वर्स आपने करा आपको लग रहा है आपका बेस्ट काम है फिर तो देखो ऐसा है कि फिर मैं बेवकूफ हूँ कि मैंने उस बंदे को गाना भेजा जिसकी मेरे को समझ ही नहीं थी उसको भेजा इसलिए क्योंकि मैं फुल समझता हूँ उसको तो और क्या होता है ना हम ये ना एक स्पोर्ट है इट्स लाइक अ मतलब जैसे रस्सा खींची रहती है ना उस तरीके से लेते हैं दोनों तरफ से खींच रहे हैं और एक फन स्पोर्ट है हर बंदा अपना बेस्ट उतरने की कोशिश करता है क्योंकि दोनों दोनों के के फैंस हम बेशक कितने जिगरी दोस्तों पर दोनों के फैंस का एक अलग कुलबा है वो अपने आर्टिस्ट के लिए बेस्ट बोलेगा डिफेंड करेगा तो या तो ऐसा काम कर दोनों जाम फाड़ दो तो बढ़ गए उसमें एकदम ताकि जनता बोले गाना ही बम्ब है या तो फिर एंड में ये बोलेगा कि इसका बेटर था तो किसी की भी कमी नहीं हुई बट जब आपके पास फीचर आता है कि भाई वर्स कर दो तो आपका इंटेंट क्या रहता है कि मतलब जैसे दो इंटेंट हो सकते हैं ना या तो मैं अपना बेस्ट दूं या मैं गाने को बेटर करने के लिए उसके हिसाब का वर्स दूं तो आप कैसा प्रेफर करते, करते, करते वो देख इतना तो हम एक दूसरे को ना बिल्कुल ओपन है इस चीज़ में जैसे मैंने जो शाहरुल के साथ किया था उसमें मेरे वर्स में आती बीट चेंज हो जाती है थोड़ी क्योंकि वो फन बातें कर रहे थे मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ तो मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसे स्विच करना है और हल्का सा उसको ऐसे भेजा तो उसने वो कर दिया तो हमारी आपस में ये तो रहती है भाई आप बहुत ऐसे डीप वो करते हो आपके आप आपको फीडबैक आया है कि आपकी वर्ड समझ नहीं आ रहे बिल्कुल आता है यार इसको आप एक तो वैसे मैं हिंदी कर देता हूँ ना कठोर हिंदी कर देता हूँ कई बार आपकी राइटिंग वो आप वो शायरी वायरी भी पढ़ते हो क्या जैसे वो कैबलरी इंक्रीज करने के लिए नहीं पर मैं हाँ मतलब सुनने का शौकीन हूँ ऐसे किताबें उताबे नहीं पढ़ता पोएट्री सुनते हो आप

लेकिन सबकी अपनी अपनी स्टाइल चल रही है म्यूजिक का अलग है सबका भाई इसके बाद मेरे को पता लग गया कि अब बहुत हो गया बदल आ, भाई अब बदल लो <laughs> मैं नहीं लिखूंगा और रागा भाई का फोन काोला होगा राजीव ये मतलब नहीं सिर्फ उनका नहीं है सारे ऑलमोस्ट मतलब रैपर्स का ही जनरली ऐसा मतलब गाना नो डाउट अच्छा है ये बहुत बढ़िया चल रहा है जो आ चुका है लेकिन अब ऐसा हो रहा है एग्जैजरेट करके बोलना कोई करता नहीं होगा भाई दिल्ली साइड के हमने ये नोटिस करा दिल्ली साइड के बदमाशी दिखाते और बॉम्बे साइड के दिखाते मैं बहुत गरीब घर गर से आया हूँ मैं हुड मेरा ऐसा और वैसा और अब मैं बढ़िया ये स्टोरी लाइन हमने पकड़ी है जो फिगर अब एज ए ऑडियंस बातें यही है मतलब समझ रहे हो आप फिर हमें कुछ करना पड़ेगा <laughs> अब कुछ नया लाया जाए हम ये सोचते हैं हम ये सोचते हैं कोई अमीर घर का रैपर नहीं बन सकता क्या या कोई अमीर घर से हो जो बढ़िया जिया हो उसने और अब रैपर बन गया हो ऐसा एक नहीं आया सामने अमीर तो नहीं तो तो मतलब पर अच्छे घर, अच्छे, अच्छे घर से अच्छे घर से मतलब भाई कोई कोई और बात कुछ कृष्णा है तो सही कृष्णा ने कब बोला की मेरे साथ दिक्कत है भाई वो यूनिक है पर वो भी उसने कब बोला की मेरे की मतलब भाई देखो वो लंदन पढ़ा है अपना ठीक है क्योंकि उसकी मम्मी वहां थी

जस्ट दस थर्टी तब जाके लोगों को अटेंशन दी पर वो कब से कर रहा है उस वो तो नहीं रोया तो ये मेरे ख्याल से जब ऐसे दो चार और आ जाएंगे तो वो उसका वो चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं है शायद अभी तक ये भी कह सकते हैं कि देखो हिप हॉप हैज ऑलवेज हेल्प्ड पीपल कम आउट ऑफ पॉवर्टी गरीबी से बाहर आने का बहुत तगड़ा तरीका था हिप हॉप बाहर भी यही था तो शायद इसलिए हम उस म्यूजिक को सुनते थे और हमारे जैसे लोग ज्यादा करते हैं तो हमारी ये कहानियां सिमिलर रहती है